ध्यान देने का बात है। और मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूंगा कि जितने भी युवा सन्यासी हैं, वैष्णव हैं, साधु संत हैं, सबको इसमें आगे की लाइन में आना पड़ेगा। धर्म संसद पे हमें बुलाया गया है। यहाँ पे जो विश्वनाथ कॉरिडोर जो कथित विकास के नाम पे बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जो मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा है, मूर्तियों का विध्वंस किया जा रहा है, उस पर हमें बात रखने के लिए आमंत्रित किया गया था और मैंने वहाँ पर अपनी बात रखी। और क्या क्या मुद्दे उठे अभी? सत्र शुरू हुआ है अभी तो धर्म संसद में, चूँकि मूर्तियों के टूटने का और मंदिरों के टूटने की और कथित कॉरिडोर के नाम पर जो विकास है उस पर चर्चा हुई और मैंने अपनी बात को रखी, क्योंकि मैं हाईकोर्ट इलाहाबाद में खुद इस प्रकरण को लेकर के वादी और मुझे पूरा विश्वास है कि न्यायालय न्याय सम्मत कार्रवाई जरूर करेगा। वहाँ पे थोड़ा विलंब अवश्य हो रहा है। एक तरफ जहाँ पे बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी काशी, हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस विषय को समझने का काम क्यों नहीं करते? वो काशी को क्योटो बनाने का सपना क्यों देखते? अयोध्या में जहाँ राम मंदिर को लेकर धर्म सभा हो रही है, तो वहीं काशी में परम धर्म संसद 1008 का आयोजन किया गया। इसमें हम बात करें कि अब तक जो बात उभर के सामने आई है, धर्म संसद में जिस विषय पे चर्चा हुई है, तो वो भी काशी से शुरू हुआ है। जिस तरह विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसी को लेकर स्वामी अविनोदेश्वरानंद ने मंदिर बचाओ समिति भी बनाई। उसी समय जब कुछ सदस्यों से बात किया, तो उन्होंने साफ कहा कि जो वो मूर्तियाँ हैं उसमें हमारे देव बसते थे और उनकी हत्या हुई है। इस तरह देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, ईटीवी।